सबको जी मसीह की। परमेश्वर का वचन से थोड़ी समय मन चिंतन करने के पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारा सृष्टिकर्ता पालनहारा परमेश्वर, आज आपका चरणों में हम लोग बैठने का समय, आपका उपस्थिति हमारा बीच में दे प्रभु। आप दुनिया में आके आपका राज्य का प्रचार किया है, आपका राज्य का राजदूत होने के लिए आप हमको बुलाया है। हम लोग आपका राज्य का राजदूत होकर दुनिया में रहने के लिए परमेश्वर हमारा बीच में करवा कर प्रभु, आपका प्रेम, आपका उपस्थिति, आपका अनुग्रह हमारा जीवन में दे प्रभु। आज के वचन का शुरुआत से लेकर आखिर तक अब हमारा साथ रहना, आपका प्रिय बेटा यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। परमेश्वर ने और एक बार प्रभु का वचन को बताने के लिए परमेश्वर ने दिया अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज कलसिया और परमेश्वर का हम लोग प्रभु यीशु मसीह का राजदूत है वो विषय को लेकर मनोचिंतन करता है। एक राजदूत का बारे में हम लोग देखने के समय हम लोग जानते हैं एक राजदूत कौन है, और नहीं तो एक अम्बासिडर कहते हैं। इंडिया में हिंदी में राजदूत कहता है। कभी पुराण समय में राजा लोग शासन करता था, और राजा लोग का और संदेश और लोग को देने वालों को और राजदूत और कहलाता है। आज का और परिस्थिति में हम देखने से एक देश अपना प्रतिनिधि करके दूसरा देश में रखने का एक कर्मचारी है राजदूत, नहीं तो अम्बासिडर। एक देश का और मुख्य लोग जो वो कर्मचारी को संदेश देता है वो संदेश को वो कहना पड़ता है। वैसे हम लोग परमेश्वर का राज का राजदूत है, नहीं तो परमेश्वर का राजदूत है। परमेश्वर का और संदेश, परमेश्वर का समाचार हम दूसरे को देने के लिए, बताने के लिए हमको रखा गया है। क्या संदेश हम देना है, राजदूत का काम क्या है, वो राजा का और परमेश्वर का राज का और प्रेम और वो मूल्यों नहीं तो वैल्यूज दूसरा लोग के साथ देना है। आज कल हम देखते हैं और कभी लोग का बीच में प्रेम कमी हटी हो जाता है, कभी सही रूप से और धार्मिकता नहीं होता है, और एक दूसरे को सही रूप से नहीं देखता है, अलग अलग प्रकार का और बुराई हमारा देश को हम जानता है। वो बुराई से और लोग और सम और अच्छा रहने के लिए भी और अच्छा समाचार और एक राजदूत देता है। कैसे भी हो, एक व्यक्ति का, एक राजदूत का मुख्य काम है और उस राजा का संदेश समाचार एक दूसरे को और जिसको देने के लिए कहता है वो देने का काम है। हम लोग आज अलग अलग विषय को लेके हम देखा है। अभी पुराण समय में हम देखने के समय हम लोग इसी प्रकार में समाचार दिया, नहीं तो परमेश्वर का सामने से परमेश्वर का
संदेश, नहीं तो परमेश्वर का मैसेज, नहीं तो परमेश्वर जो मैसेज और समाचार देता है उसको लेके और जिसको देने के लिए कहता है वो देने का काम कभी परमेश्वर ने पुराण में और बाइबल में चुनाव किया लोग के साथ परमेश्वर बातचीत करता था। और स्वर्ग दूध भी दूध को भी कभी कभी परमेश्वर बेचा है, वैसे हम देखता है स्वर्ग दूध भी परमेश्वर का सामने से और संदेश को लेकर और दुनिया में आया, पृथ्वी में आकर और जिसको देने के लिए कहा है उन लोगों को दिया है, तरसे हम देखता है। अभी बाइबल में हम पूरा देखने के समय एक राजदूत का और योग्यता क्या है और उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसका दैत्य क्या है, इसका बारे में हम लोग अलग अलग जगह में हम लोग को देख सकता है। बाइबल में अलग अलग जगह में अच्छा तरीक़ा में लिख रखा है। हम लोग मरकुस लेकर सुसमाचार अध्याय 6 का और हम आगे पढ़ने के समय 6-7 से लेकर हम पढ़ने के समय प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया और 12-6 लोगों को बुलाया, चुनाव किया। उसके बाद हम देखता है वो राजदूत तरह से वो इसराइल का गांव में अलग अलग एरिया में प्रभु यीशु मसीह ने दो दो करके भेजा है। क्यों भेजा है? वो परमेश्वर का और त्याज का समाचार सुनाने के लिए भेजा है। कैसा जाने का है, कहां जाने का है, प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को और बता दिया है। और किस प्रकार का मैसेज देने का है, प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को सिखाया है। और उन लोगों का बारे में भी हम जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह और क्या है, बहुत बहुत बड़ा बड़ा लोग को बुला सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो 12 लोग को चुनाव किया है उन लोग वो समाज में उच्च श्रेणी में होने वाला लोग नहीं था, नहीं तो बहुत धन संपत्ति वाला लोग नहीं था, नहीं तो पुराण नियम का व्यवस्था का बारे में और बहुत पंडित लोग नहीं था। इसी प्रकार का लोग को परमेश्वर ने चुनाव किया और उसके बाद ट्रेनिंग किया और परमेश्वर उन लोग को अधिकार देकर और वो जगह में भेजा है। किस प्रकार का अधिकार दिया है? दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, पाप को क्षमा करने के लिए और परमेश्वर का वचन को प्रचार करने के लिए सब अधिकार देकर और अधिकार के साथ अपना चेवलों को प्रभु यीशु मसीह और भेजा है, तरह से हम लोग वो मरकुस लिखित सुसमाचार में हम देखता है। हम प्रभु यीशु मसीह का शुरुआत का समय में प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार का समाचार दिया है हम जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का राज के बारे में सुसमाचार प्रचार किया है और मन फुराव करना है और उसके बाद परमेश्वर का राज आ गया है, मन फुराव करना और परमेश्वर का सुसमाचार पर विश्वास करना, तरह से सुसमाचार प्रचार किया है। इसी प्रकार में और मरकुस लिखित सुसमाचार अध्याय 6 का और 12 वचन पढ़ने के समय अपना चेड़ लोग को राजदूत तरह से और प्रभु यीशु मसीह ने भेजने के समय अपना चेड़ लोग भी ओ जाके और प्रचार करने का शुरुआत में उन लोग भी मन फुराव का बारे में प्रचार किया, तरह से ओ जगह में लिखा है। मतलब क्या है? और परमेश्वर का राज को अनुभव करना चाहिए तो और मन फुराव बहुत और अवश्य है। इसलिए हम लोग का जिंदगी में और मन फुराव हमारा जीवन में होना चाहिए। हम लोग कभी कभी अलग अलग बात के लिए हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया होगा, लेकिन हर एक लोग का बीच में और होने का एक मुख्य बात है, मैं और आप लोग का बीच में होने का मुख्य बात है मन फुराव। हम लोग और क्या है अभी और मसीह को मानता है, लेकिन मसीह जो वचन हमको सिखाया है हम करता है क्या? और वैसे हम लोग अपने अपने को पूछना है, मैं करता है क्या और मैं कहाँ पे गिरा है वो उठकर और प्रभु का वचन में रहने के लिए और परमेश्वर का वचन का आता है वो
अपना चेलो लोग प्रभु यीशु मसीह का चेलो लोग मन फुराव का और प्रचार किया है। मन फुराव का प्रचार का आवश्यक क्या है? वो परमेश्वर का राज को अनुभव करने के लिए और प्रभु यीशु मसीह हमारा आत्मिक जीवन में आने के लिए वो इसे प्रचार किया। हम लोग यहोशुआ का बारे में देखने के समय यहोशुआ भी और परमेश्वर ने एक राजदूत तरह से भेजा है। कारण क्या है? और परमेश्वर ने इसराइल देश को और परमेश्वर का योजना है दुनिया के बीच में वो इसराइल देश को परमेश्वर ने बनाया है श्रेष्ठ और वो इसराइल को देने के लिए योजना किया है। जाने के समय क्या है वो इसराइल मिस्राइल देश से और मूसा ने द्वारा लेके आया योर्दान का पास आने के उसका पहले और मूसा को परमेश्वर ने ले लिया और अभी और दैत्यो यहोशुआ को परमेश्वर देने के लिए योजना किया है। वो मूसा का समय में और वो अच्छा एक्टिव था अच्छा कर्मचारी था मूसा का साथ और परमेश्वर ने उसको चुनाव किया है। वो नया इसराइल देश में जाके वो योर्दान से जाने के आगे जाने के लिए और इसराइल देश लोग को अलग अलग जगह बांट के देने के लिए सब काम और दैत्यो और यहोशुआ को दिया है। लेकिन इस जगह में क्या कहता है यहोशुआ एक राजा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। लेकिन अभी परमेश्वर ने क्या कहा हमेशा मैं आपको मैं जैसे मूसा का साथ रहा है वैसे मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन अब हम लोग का काम क्या है हम लोग वो क्या करना चाहिए और परमेश्वर का वचन में रहना है। वचन में रहने से और मैं आपका साथ रहूंगा। मैं वो भाग को और एक बार हम लोग सभी लोग जानने का भाग है वो भाग को थोड़ा पढ़ने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो यहोशुआ का पुस्तक अध्याय 1:8-9 वचन को मैं थोड़ा आप लोग बीच में पढ़ने के लिए चाहता हूँ। इसमें इसे कहता है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित से कभी ना उतर नहीं पाए इसी में दिन रात व्यवस्था और दिए रहना इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी और खिया बांध कर दृढ़ हो जा भय ना खा और तेरा मन और कच्चा ना हो क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मतलब क्या परमेश्वर का वचन को पालन करने से जहां जहां जाएगा परमेश्वर साथ रहेगा और परमेश्वर का वचन को पालन करने से एक राजदूत तरह से उसको अच्छा से रख सकता है और जो वो करेगा वो सफल होगा वो विजय पाएगा। वैसा है हमारे जीवन में भी हम परमेश्वर हमारा योग्यता ये इधर और एक राजदूत का योग्यता क्या है स्वभाव कैसा है दैत्य क्या है इसका बारे में जगह में लिखा है। योग्यता क्या है हम परमेश्वर का वचन में रहना है उसका वचन को पालन करना है वो परमेश्वर का वचन को और करना है और परमेश्वर का वचन को मानना है इसके बारे में जगह में कहते हैं। वैसे हम करने से और वो परमेश्वर का वचन करने का है और करने के लिए हम दूसरा नाम कहता है मन फुराव। मतलब क्या है हम लोग परमेश्वर का वचन को करना है पाप को दूर कर कर हम परमेश्वर का वचन में रहने से हमको प्रभु का राज्य का और राजदूत होके हम रह सकता है। और फिर भी हम लोग आगे जाने के समय हम लोग आज दूसरा कुरिन्थियों और 5 और 18 ऐसे वचन में 18-19 तक पढ़ने के समय और हम आप लोग और राजदूत है ऐसे जगह में प्रेरित पौलुस ने कहा है।
और त्याज दूध है। अभी क्यों त्याज दूध क्या होता है? वो कुल कुंदियों का कलसी कलसिया और बहुत समस्या तरह से उधर बहुत प्रश्न है और विभाजन है तरह से पौलुस को और इंफॉर्मेशन मिला है, खबर मिला है। इस समय वो क्या किया है और वो इस और पौलुस ने और वो कलसिया को और सही रूप से रहने के लिए परमेश्वर का राज का मूल्य में रहने के लिए, परमेश्वर का राज का स्वभाव में रहने के लिए और परमेश्वर का राज को प्रचार करने के लिए, अपना अपना को सुधारने के लिए परमेश्वर ने एक पत्री कुरिन्थियों का ये पत्री लिखकर किसी के साथ भेजा है। अभी ये पत्री का रूप से परमेश्वर उसको जो मैसेज है कलीसिया के लिए, जो मैसेज है वो मैसेज लिखा है वो भेजा है, लेकिन किसी के हाथ में भेजा है वो जो और लेके गया ये मैसेज, उसको हम लोग उसको भी हम राजदूत बता सकता है। इसी प्रकार मतलब क्या है, उन लोग वो समस्या को दूर कर कर एक दूसरे से और प्रेम कर कर और अच्छा रहने के लिए ये वचन लिखाता है। हम लोग आज देखा है और कैसे एक राजदूत रहना, राजदूत कौन है, राजदूत का दायित्व क्या है, उसका योग्यता क्या है, स्वभाव क्या है और राजदूत तरह से और यीशु मसीह अपना चेलों लोग को कैसे भेजा है और कैसे और यहोशुआ एक राजदूत तरह से और काम किया और उसका योग्यता, इसका बारे में हम देखा है। और कुरिन्थियों कलीसिया में कलीसिया में एक राजदूत का हाथ में जैसे उसका संदेश प्रेरित पौलुस ने भेजा है, इसका बारे में सबको देखा है। हम लोग भी ये दुनिया में बहुत कतरना होता है, मतलब प्रेम नहीं है, ये प्रेम का अभाव में बहुत कुछ होता है अभी। और एक हर एक लोग प्रभु में आने से भी वो लोग राजदूत है, लेकिन ऐसे राजदूत तरह से जानने के लिए बताने के लिए भी कोई किसी को और शर्म होता है। वैसे नहीं, हम लोग क्या है, परमेश्वर का और राजदूत है। और वैसे हम तो क्या है, और एक नया सृष्टि होता है विश्व प्रभु में आज विश्वास करने के समय एक लोग नया सृष्टि हो जाता है। उसके बाद फिर भी वो एक जाति का नाम है और ऐसे नहीं, हम लोग उच्च श्रेणी में हो जाता है प्रभु में विश्वास करने के समय, वो प्रभु का आत्मिक लेवल में वो आ जाता है। इसलिए हम लोग हमारा जीवन में एक नया होकर हम भी रहना है और हम लोग और ये दुनिया का राजदूत के बारे में देखने के समय, सुनने के समय हम कौन है हम लोग भी जानना चाहिए। हम भी एक राजदूत है और प्रेम का राजदूत होना चाहिए, प्रेम परमेश्वर का प्रेम हम लोग को बांटना है। अभी प्रेम का भाव से बहुत लोग एक दूसरे को मारता है और झगड़ा होता है, समस्या होता है, हम अलग अलग प्रकार का समस्या को देखता है। इस प्रकार का हर एक समस्या को और दूर होना चाहिए और परमेश्वर ने वचन द्वारा हमको सहायता करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करके समाप्त करें। धन्यवाद परमेश्वर, आप शुरू से लेकर अभी तक का कृत तक आप हमारा साथ रहा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर हालेलुया, हम लोग एक राजदूत है तरह से जानने के लिए आप दे अवसर के, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उन लोग परमेश्वर का राज का और संदेश मैसेज लोग का बीच में दिया है, लेकिन उसका बीच में और परमेश्वर का राज को प्रचार करने के समय उन लोग का मुख्य विषय मन भराव था और मन भराव नहीं करने से, पाप को न छोड़ने से परमेश्वर को हमारा बीच में काम करने के लिए नहीं सकता है, हमारे आत्मा को बचाने के लिए नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर हम लोग प्रभु का प्रेम में रहने के लिए, प्रभु का वचन में रहने के लिए, परमेश्वर का साथ साथ चलने के लिए हमारा जीवन में परमेश्वर काम करो प्रभु जी। हम चारों हमारा चारों प्रभु रक्षा रखवाली कर दुनिया को बचाओ परमेश्वर, आपके प्रेम से वो दुनिया में परमेश्वर परिवर्तन ला परमेश्वर, लोग के बीच में एक प्रेम ला दीजिए परमेश्वर, एक दूसरे को प्रेम करने के लिए परमेश्वर मसीह हमको सिखाया। ओ प्रभु का प्रेम में हम रहने के लिए हमको सहायता करना प्रभु जी। और प्रभु अभी ये वचन द्वारा परमेश्वर हमारे बीच में काम कर दीजिए, आप हमारा साथ रखना, आपका प्रिय बेटा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आशीर्वाद हमारे परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम प्रत्येक लोग के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन।